सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निंटेंडो स्विच 2 या फिर निंटेंडो स्विच प्रो। जो भी आप नेक्स्ट निंटेंडो स्विच के वेरिएंट को बुलाना चाहो बुला सकते हो। एंड जितनी भी न्यूज चल रही है, जितने भी रूमर्स आए हैं, हम उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ऐसी ही एक और वीडियो में निंटेंडो स्विच प्रो के बारे में बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो डेफिनेटली जाके देखना। एंड ऑल्सो अगर आप नए उस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड कॉमेंट गए सबके सब कर दो। एंड मेरे चैनल पर जितनी भी और वीडियोज है प्लीज जाके देख लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जितने भी रूमर्स है उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जो पहला रूमर निकल के आया है वो ये है कि निंटेंडो स्विच प्रो के दो मॉडल्स होने वाले हैं। एक होगा ऑल डिजिटल एंड जो सेकंड वेरिएंट होगा वो डिजिटल भी होगा लेकिन कार्ट्रिज भी सपोर्ट करेगा। अब ये रूमर देखो काफी हद तक सच हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये मॉडल एग्जिस्ट करता है। PlayStation 5 का एक डिजिटल वर्जन भी आता है एंड डिस्क वर्जन भी आता है। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया में बहुत सारे लोगों ने PlayStation 5 का डिजिटल वर्जन खरीदा है क्योंकि एक तो वो सस्ता होता है एंड काफी सारे लोग आज के टाइम पे फिजिकल सीडीज खरीदना प्रेफर नहीं करते हैं। अब देखो मैं पर्सनली उन लोगों में से नहीं हूँ, मुझे फिजिकल कार्ट्रिजेस फिजिकल सीडीज ज्यादा पसंद है डिजिटल कलेक्शन से। एंड ऑल्सो एक एडेड बेनिफिट है कि आप जब वो कंसोल कम्प्लीटली छोड़ के नेक्स्ट जनरेशन में जाते हो तो आप सारी की सारी गेम्स सेल भी कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, आपका थोड़ा सा तो एटलीस्ट मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है और कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट 30-40% अपना जो पैसा लगाया है वो तो रिकवर कर ही लेते हो। लेकिन यार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि अगर एक निंटेंडो स्विच प्रो का ऑल डिजिटल वेरिएंट आता है एंड वो 5,000 रुपये सस्ता हुआ तो क्या आप ऑल डिजिटल वेरिएंट खरीदना प्रेफर करोगे या फिर आप और पैसे लगा के एक कार्ट्रिज सपोर्ट करने वाला निंटेंडो स्विच ही खरीदोगे। जो अगला रूमर है वो ये है कि जो एनविडिया की तरफ से प्रोसेसिंग चिप आने वाली है निंटेंडो स्विच प्रो के लिए वो 100% कस्टम मेड होने वाली है निंटेंडो स्विच प्रो के लिए। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो आमतौर पे जब कोई प्रोसेसर होता है तो जैसे i7 का 12 जनरेशन है वो आपको बहुत सारे लैपटॉप्स में देखने को मिल जाएगा, सेम एग्जैक्ट प्रोसेसर। वो पर्टिकुलरली उस लैपटॉप के लिए कस्टमाइज एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन जो निंटेंडो स्विच प्रो में प्रोसेसिंग चिप आने वाली है एनविडिया की तरफ से वो बनी ही निंटेंडो स्विच प्रो के लिए होगी। इसका मतलब है वो चिप आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी एंड ये एक काफी अच्छी न्यूज है। करंट निंटेंडो स्विच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भी चल रही है वो यही है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है एंड ओवर द इयर्स परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिटोरिएट भी हुई है। तो अगर ये रूमर सच है कि एनविडिया कस्टम चिप बना रहे निंटेंडो स्विच प्रो के लिए, वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज इसलिए है क्योंकि जो परफॉर्मेंस होगी वो एक तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक हमें अच्छी देखने को मिलेगी एंड काफी मेजर डिफरेंस होने वाला है निंटेंडो स्विच पे जो गेम्स रन करती है उनमें एंड जो निंटेंडो स्विच प्रो पे गेम्स रन करेंगी उनमें। तो जो अगला रूमर है वो ये है कि जो निंटेंडो स्विच प्रो होने वाला है वो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करेगा नेटिवली। एंड ये एक काफी बड़ा क्लेम है क्योंकि रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करने के लिए बहुत तगड़ा हार्डवेयर चाहिए होता है। इवन जो आज के पीसीज लैपटॉप्स हैं, इवन जो कॉन्सोल्स हैं, रे ट्रेसिंग को उनमें अलग से मोड होता है एंड उसमें हमेशा FPS ड्रॉप देखने को मिलते हैं। तो ये एक काफी अच्छा इंडिकेशन भी हो सकता है कि अगर निंटेंडो स्विच प्रो रे ट्रेसिंग सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो हार्डवेयर होने वाला है, जो प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूज करने वाले निंटेंडो स्विच प्रो में वो काफी ज्यादा सॉलिड है यार। मतलब आप खुद एक बार इमेजिन करो, अगर आप जेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड या फिर टीयर्स ऑफ द किंगडम को 1080p पे रे ट्रेसिंग के साथ 60fps पे हैंडहेल्ड मोड पे निंटेंडो स्विच प्रो पे खेल पाओ तो क्या नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है भाई उस गेम को खेलने का। जो अगला रूमर है वो ये है कि निंटेंडो स्विच प्रो में ड्यूल स्क्रीन होने के चांसेस है एंड ये एक काफी बड़ा क्लेम है आई नो। एंड ये रूमर कहाँ से निकल के आया मैं आपको वो भी समझाता हूँ। तो निंटेंडो कंपनी ने बहुत रिसेंटली पेटेंट्स फाइल करे थे कुछ, उसमें से जो एक पेटेंट था उसमें उन्होंने एक कॉन्सोल को पेटेंट कराया, बेसिकली कॉन्सोल डिजाइन को पेटेंट कराया जिसमें ड्यूल स्क्रीन है। तो देखो अगर कोई भी कंपनी एक हैंडहेल्ड डिवाइस पे सक्सेसफुली ड्यूल स्क्रीन डाल पाई है अब तक तो वो निंटेंडो ही रही है। करेक्ट, निंटेंडो 3DS को देखो एक बहुत सक्सेसफुल कंसोल रहा है वो। तो मैं इस रूमर को बिल्कुल ऐसे क्रेजी या फिर बिल्कुल ही बेसलेस नहीं मानता हूँ। ऑफकोर्स अगर कोई कंपनी पुल ऑफ कर सकती है ये तो वो निंटेंडो ही है। अब वो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एंड उसका क्या यूज केस सिनेरियो होगा ये तो देखो निंटेंडो को ही पता है। पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर आपको बताऊं तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि मुझे एक और स्क्रीन चाहिए मेरे हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल में। एंड मैंने निंटेंडो स्विच भी यूज किया है, स्टीम डेक भी यूज किया है एंड मुझे दोनों में कभी ऐसा नहीं लगा है कि एक और स्क्रीन होती इसमें तो और मजा आता। अब वो सेकंड स्क्रीन ऐड करेंगे नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो क्या डिटैचेबल होगा, डिटैचेबल अगर हुआ भी तो उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे कैसे एंड उसके एक्चुअल फीचर्स होंगे क्या, ये सब तो देखो बिल्कुल हवा में बात करने वाली बात है। तो मुझे नहीं पता कि ये सच भी है, लेकिन ऐसा जरूर है कि पेटेंट तो फाइल उन्होंने किया है ऐसे कॉन्सोल का जिसका डिजाइन में दो स्क्रीन्स दिख रही हैं। तो बस है गाइस, इस वीडियो के लिए इतने ही रूमर्स रखते हैं। आई होप ये जो रूमर्स है आप इसके बारे में अपने थॉट्स डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। ऑल्सो अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना गाइस इस चैनल को, ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं एंड आगे बनाता भी रहूंगा। तो बस यार आज की वीडियो के लिए गाइस रखते हैं इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।
एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.